थोड़ा बर्नआउट मार के दिखाता हूँ। बर्नआउट तीनों तीनों की आवाज आ रही है भाई, देखो ओ भाई मेरी बाइक। तो हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग, आप सब बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को पता था पिछली वीडियो में कुछ सीन तगड़ा हो गया था, हमने उन बंदों की स्कूटी उठा ली थी। बाकी सब बंदे यहाँ पहुँच गए, राजकुमार यहाँ है, देबू यहाँ है, गंपू भाई यहाँ है। गंपू भाई ने 2 घंटे लगा दिए तब से आने में। ये कह रहे हैं मेरी बाइक की चैन फंस गई थी, चैन ये वाली बाइक की नहीं थी, प्लेटिना गाड़ी जो इनकी पहले थी उसकी चैन फंस गई थी, बाकी ये स्कूटी है उनकी। तो अपन लोग जा रहे हैं आज घूमने, राइड पे निकलने वाले हैं, तो ये स्कूटी भी लेके जानी है। डरने की कोई बात नहीं है भाई, स्कूटी लेके जाएंगे, जो बाद में जो भी होगा देख लेंगे। बाकी यहाँ से निकलते हैं, बाकी जो भी होगा आप लोगों को आगे व्लॉग में बता दिया जाएगा। ये वाली जो स्कूटी है ये लेके जाने वाले हैं हम यहाँ से देबू भाई के घर पे। तो यहाँ से देबू भाई के घर पे खड़ी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है बीच मार्केट में। वो मास्क वाले बंदे भाई कभी भी आ सकते हैं, उनका कुछ पता नहीं है। आप लोगों को पता है उनकी लोकेशन एक नहीं है, उनकी तो 3600 लोकेशन है। तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे मतलब खड़े हो गए थे। बाकी आज यार दीनू भाई नहीं है, तो यार उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी तो दिक्कत क्या होगी भाई यार, गाइस आप लोगों को पता है 4-5 बंदे तो हैं, वैसे तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ भाई। मुझे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा होगा, तो अगर आप लोगों को पता चल गया होगा मैंने उनकी कुटाई क्या की थी भाई। मुझे गुस्सा आ रहा था उनकी शकल देख के। बाकी ये देबू हुआ, ये स्कूटी है, अब यहाँ से लेके जाएंगे देबू भाई के घर, करनी है स्कूटी खड़ी। तो गाइस यहाँ से अपन लोग निकल गए, बाकी देबू आ रहा है पीछे पीछे। भाई पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा किस मतलब किस तरीके से सीन हुआ था, क्योंकि मुझे तो पूरा सीन पता भी नहीं था। फिर भी मतलब यह है कि मैंने अपनी तरफ से तो भाई पूरा सपोर्ट किया था जितना मुझसे हो सकता है। आप लोगों को पता है यार भाई, मतलब दोस्ती यारी में पीछे तो हटता नहीं हूँ, लड़ाई वड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना भाई। एक बार घुस गए तो यार यारी दोस्ती में तो यार ये सब चलता ही है, आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोगों के दोस्त दोस्त में कभी लड़ाई हुई होगी तो आप लोगों को पूरा पता होगा डेमो कैसा होता है। बाकी यार उनसे लड़बड़ के उनकी स्कूटी तो ले आए थे, उन्होंने बोला पैसे वैसे देंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि यार नंबर नंबर भी नहीं है उनके पास, हमारे पास भी नंबर नंबर या दीनू भाई के पास होगा, वो बात अलग है। यहाँ पे पहले गाइस ये एक मैरिज हॉल था, वो अब टूट के देख लो ऐसा हो गया, देख रहे हो रातों रात पता नहीं चलता भाई कुछ। ये देखो प्लॉटिंग कट गई यहाँ पे रोड के किनारे ही, यहाँ पे मतलब रेट तो काफ़ी हाई है, तो लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बाकी आप लोगों को बता ही सकता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ। सर्दी आज वैसे यार धूप बहुत तगड़ी हो रही है, वैसे मेरा हाथ देख लो, ये आप लोगों को दिख रहा होगा सॉइलिंग आ रही है काफ़ी गंदी, क्योंकि संडे के दिन यार अपन लोग गए थे मैच खेलने गए थे हम पॉलिटेक्निक ग्राउंड पे। आप लोगों को पता होगा पॉलिटेक्निक ग्राउंड है कहाँ, मेरे घर से थोड़ा सा पास में, मतलब पास में ही है मेरे घर से, तो वहाँ पे गए थे हम लोग। तो यार ऐसी मतलब एक मधुमक्खी थी बैठी थी यार, उसने डंक मार दिया, डंक अंदर ही टूट गया, वो निकला ही नहीं, तो उसकी वजह से 3 दिन हो गए आज यार सॉइलिंग ही ख़त्म नहीं हो रही। आप लोगों को अगर पता हो सॉइलिंग कैसे सही होनी है तो देसी नुस्खे बता देना मेरे को भी थोड़े बहुत, जिससे मतलब यार थोड़ा सॉइलिंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि रात के टाइम पे यार खुजली बहुत हो जाती है इसमें। खुजली कनाते कनाते ना देख रहे हो कितनी सॉइलिंग हो गई यार, बहुत दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। और बाइक भी ऐसी हो रखी है ना, आगे से तो बढ़िया दिख रही है आप लोगों को भाई, बट यार पीछे से इतनी गंदी बाइक हो गई है, क्योंकि यार कल हुई थी बारिश, बहुत गंदी वाली बारिश हुई थी, आज थोड़ा मौसम क्लियर है, आज सुबह से ही बढ़िया वाली धूप आ गई थी। बाकी अगर देखता हूँ अभी गंपू भाई से बोलूँगा अगर वो स्टंट करेंगे, क्योंकि यार मैं तो स्टंट करते नहीं, आप लोगों को पता है भाई, डरने की वजह से नहीं, बट यार मैं खुद ही वैसे मतलब मेरा मन ही नहीं है स्टंट करने का। खाली मैं तो इसलिए नहीं करता कि यार मन ही नहीं है, मतलब मेरी इच्छा नहीं होती स्टंट करने की। बाकी अगर गंपू भाई करेंगे तो आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा मैं गंपू भाई विली विली कैसे मारते हैं, मुझे तो आती नहीं है। बाकी गंपू भाई आ रहे हैं पीछे, पहले उनको बुला लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ भाई स्टंट का सीन है क्या नहीं है। ओ भाई गंपू भाई शायद थोड़ा पिकअप बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उछाल गंपू, ले गया भाई ले गया, एक और। मैंने बोला था ना यार गंपू भाई को यार आता है, देख रहे हो पूरी व्हीली मार रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं आती, बट फिर भी ये है कि भाई 70-80% तो बंदा मार ही देता है। अबे अंदर चल रहे गंपू यार, हट तो आगे से तो हट जा भाई मेरे यार, पीछे तो गाड़ी वाड़ी ना ठोक दे यार, एक तो डर लगता है यार कोई ठोक ठाक ना दे, क्योंकि यार अपन लोग गंपू भाई कह रहे हैं थोड़ा स्टंट मारने का मूड है उनका, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़े हाईवे पे, आप लोगों को पता हाईवे पे सही नहीं रहता यार, मतलब कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है एकदम से। ये है कि हम लोग तो सेफ्टी से चल रहे हैं, बट पीछे वाले का नहीं पता, क्योंकि हो ही जाती है गलती। यूवी भी हल्का हल्का लगा पड़ा है थोड़ा स्टंट मारने के चक्कर में। गंपू भाई मार रहे हैं विली, और संजय भी आ गया है, तो
तो संजय ने भी फ़ोन ऑन कर दिया था, तो उसने कहा था मैं भी आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई साथ में अपन लोग विली विली मारेंगे। अबे यार मुझसे नहीं बढ़ती यार गाइस विली, मैंने आज तक ट्राई नहीं करा ना, क्योंकि गंपू वंपू तो यार सीखते रहते हैं, मैंने आज तक सीखा नहीं। बाकी राजकुमार का देखते हैं, राजकुमार भी मार लेता है विली। मारियो विली, हाँ हाँ मार। ओरे बेटे भाई ये कैसे मार दे रहा है, तो खड़ी खड़ी मार दे रहा है। अबे यार मुझसे नहीं हो रही, मुझसे नहीं हो रही यार। देबू भी आ गया, ये देबू भाई विली मारो स्कूटी से, जाओ 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 विली मारो स्कूटी से भाई। तो गाइस स्कूटी भी आ गई है, तो अब देखते हैं स्कूटी से अगर विली विली पड़ जाए तो स्कूटी तो भाई बिगड़ जाएगी। एक तो यार स्कूटी हमारी नहीं है, बट हम फिर भी मज़े ले रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बर्नआउट मार रहे थे भाई, ये तो खड़े खड़े मार दे रहा भाई स्प्लेंडर से, यहाँ पे थोड़ा बर्नआउट मार रहे थे तो उसका ही देख रहे थे। बाकी मैं थोड़ा बर्नआउट मार के दिखाता हूँ, बर्नआउट मारूँ क्या, बर्नआउट मारूँ हैं। तीनों मारे बर्नआउट, तीनों भाई कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। तो गाइस देखो ओ भाई मेरी बाइक, धुआं 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 धुआं। अबे यार मेरी गाड़ी का ना टायर हो जाएगा टकला, देख रहे हो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। अबे धुआं क्यों निकल रहा, टायर तो घूम ही नहीं रहा। तो कैसे यार बर्नआउट तो मार दिया, बट मैं थोड़ा व्हीली का सीख रहा हूँ, व्हीली मुझे आती नहीं है। बाकी यार आज अपन लोग थोड़ा स्टंट के लिए थोड़ा व्लॉग बनाने आए थे, मैंने कहा थोड़ा मैं भी सीख लूँगा, क्योंकि यार ये सारे बंदे इन सबको तो आता ही है, संजय को भी आते हैं, आप लोगों को पता है संजय तो भाई खड़े 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 अपनी भाई को छाल दे रहा है भाई, खड़े 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 सॉरी अभी। ओ भाई ओए ओए पीछे होके बात करना, ये कौन सा अड्डा है, ये स्कूटी तो हमारी लग रही है। हाँ तो स्कूटी तो तुम्हारी है, कर क्या लोगे, ओए चाबी दे दे मेरे को ला। अरे दो तीन दिन हो गए यार पैदल घूम रहे हो, तो पैदल तो घूमोगे ही, हमने तुमसे बोला था पैसे दो, पैसे दिए तुमने, नहीं दिए भाई स्कूटी तो है, पैसे तो लाए हैं यार ये स्कूटी, चल हम तुम्हें स्कूटी देंगे ठीक है। पहले ऐसा करो उठक बैठक लगा के दिखाओ, मैं थोड़ा तुम्हें स्कूटी नहीं मिलेगी, स्कूटी की चाबी है, स्कूटी की चाबी है ना, पैसे ले ले, मैं दूंगा हाँ पैसे दो हाँ, पहले भाई पैसे भी तो दो, पैसे नहीं दे रहे तुम, पैसे तो तुम हाँ मेरे हाथ में दो ना भाई, एक हाथ से लो एक हाथ से दो ये पैसे भी तो दो, पैसे भी तो दो, पैसे छीन लो, पैसे नहीं दूंगा, चल अब यहाँ से पैसे नहीं देने, पैसे ले लिए हाँ, पैसे मेरे पास आ गए, पैसे मेरे पास आ गए भाई, बेटा सुन ये पैसे भी पूरे नहीं है, पूरे नहीं है ये पैसे पूरे नहीं है, तू गिन पैसे कितने हैं, गिन 20,000 रुपए ले रखे थे, हाँ 20,000 रुपए लिए थे, 16,300 रुपए ले, अब ले पैसे दे देंगे, चाबी दे दो, क्यों दे चाबी, स्कूटी दे देंगे तुम्हें, फिर तो तुम दिखोगे ही नहीं,
अरे कब देगा? दे देंगे, दो तीन दिन में दे देंगे। दो तीन दिन बाद स्कूटी ले, स्कूटी ले लेंगे। पैसे वापस दो हमारे। चलो हम तुम्हें दे सकते हैं, हम तुम्हें दे सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर दे रहा हूँ, बाकी जो बचे हैं वो दे देना स्कूटी ले। देख गंपू, मैं इनके लिए एक ऑफर रख रहा हूँ, मैं इनको स्कूटी दे दूंगा, पहले उठक बैठक लाओ। अबे भाई दिनू भाई भड़क जाएंगे, तुझे पता है? तो उठक बैठक लगा देना। हाँ तुम, हाँ तुम उठक बैठक लाओ, उठक बैठक लाओ, उठक बैठक लाओ। स्कूटी की चाबी ये है, तुमने भाई पूरे रुपए नहीं दिए, पैसे भी पूरे नहीं है। ये स्कूटी चाहिए भाई, ये तो आधे पैसे भी नहीं है। हमको स्कूटी दे दो, हम आपको पेमेंट कल दे देंगे। तुम्हारा तुम्हारा भरोसा बहुत झूठे हो। पिछले बार मिले थे तुमने 10 झूठ बोले थे मुंह के आगे, कहाँ जा रहे हो? ठीक है ना, उठक बैठक लगाओ यहाँ पे, उठक बैठक लगाओ तुम्हें पैसे। कितने संजय, कितने थे वो? 16,300। 16,000 थोड़ना है, 1600 तुम मेरे को बन्ना भेजना, पेमेंट दे देंगे। दीदी पेमेंट अपना बन्ना भेजना, इनपे भरोसा नहीं है। मेरी जेब में पैसे नहीं है, चेक कर लो। मेरी जेब में मेरी जेब में भाई तुम्हारे पैसे थोड़ना है। मेरी जेब में चाबी रखी हुई है, मेरी ये है मेरी चाबी। अबे भैया पैसे, तुमने पैसे कब दिए? कब दिए? एक रुपया नहीं दिया। इनसे ये पूछो कितने नोट थे? कितने नोट थे? कितने नोट थे? 1,300 रुपए थे। नोट बताओ ना कितने थे? 16,300। ठीक है, हम सबकी जेब में चेक कर लो, अगर सबकी जेब में मिला के भी 16,300 मिल गए ना, ले जाइए स्कूटी भी ले जाना। रुपए ले जाइए, स्कूटी भी ले जाइए। उठक बैठक लगाओ पहले, उठक बैठक। भाई हमें भी ज्यादा शौक नहीं हो रहा, तुम्हें स्कूटी मिल जाएगी। स्कूटरी तो मिल ही जाएगी भाई, हमें और भी काम है। हमने सुपारी ली है की वो सुपारी बंदे की सुपारी ले रखी है, इसको ही पकड़ना है। काम डालना है इसका। अरे तुम जानते हो, तुम जानते हो बस। अबे हरिप्रकाश तो नहीं है? इसको कौन है? चल वो हमारे काम है, थोड़ी कर क्यों आगे लेट हो रहा है। अरे तू सुपारी ले या पान ले, वो तुम्हारा काम है। तुमने सुपारी ली होगी ना तो तुम्हें पेमेंट मिली होगी। पेमेंट अभी नहीं मिली भाई, काम करने के बाद मिलेगी। भाई जब तुम पैसे दे दोगे ना पूरे यहाँ पे ना चेतोमा, ठीक है ना, जब पैसे दे दोगे स्कूटी ले जाना बस। उससे पहले ना भाई चूं तक मत बोलो। पैसे जब तुम्हारे जेब में हो ना तब आओ यहाँ पे, ठीक है ना भाई? तो पैसे दिए दो यार, अभी पैसे दिए यार, दिए अभी पैसे दिए यार। गवाह है तुम्हारे पास? गवाह है? दिए नहीं पैसे? अरे पैसे अभी दिए यार। कब दिए पैसे? बोला पाँच लोग सुने, हम पाँच लोग, हमें किसी को पैसे दिए नहीं है। अरे 3,700 रुपए रह गए तुम्हारे, कल ले जाना, कल ले जाना स्कूटी ले। एक रुपया नहीं दिया? अरे दिया यार, अभी दिए तुम्हें पैसे। अभी दिए तुम्हें पैसे? 3,700 रुपए, कल ले जाना। ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं, काम करने बिल्लू बाकी बात है। उठा उठा लगा आज हमारा दिन है, कल तक तुम्हारा दिन है। मारेंगे उठक बैठक, 5 मार देंगे, 10 मार देंगे। ठीक है ना, तुमने तो 20,000 रुपए देना, हम तो स्कूटी बेच देंगे, हमारे पास तो उसके दुगने आ जाएंगे। मेरी बात सुन, 5 ही मारो तुम्हारा है ना, सुनो। अरे मेरी बात सुन, तुम 5 ही मारोगी लूंगा मैं। हाँ ठीक है, चलो चलो मारो। एक एक करके मारेंगे, दोनों एक साथ मारेंगे, एक साथ मारेंगे, एक साथ मारेंगे। एक हपला कर देंगे। मैं हूँ ना, मैं कर रहे भाई, चल कर रहे भाई, तुम्हारे सामने मारो, चल चल कर। एक एक ये भैया भी मैंने क्या बोला? 5 तक गिनता जाएगा, मैं गिनूंगा। अरे ऐसे तो रात भर रहेगा गिनते गिनते। अरे तूने हाँ क्यों बोला उसके? हाँ हाँ क्यों मिलाई? चुपचाप बात कर रहा हूँ ना, गिनेगा तुम लगाओ। चल सारी खुजली निकल जाएगी अभी। चल एक और कान पकड़, कान पकड़, कान पकड़। एक वापिस करवाए, एक से वापिस करवाए, एक से जब तक सही से कान पकड़े तूने। अरे तुम्हारे 16,300 रुपए दो यार, कौन दे दो? अबे स्कूटी लेके चल, बात करते। ओए स्कूटी लेके चल, आजा आजा। ओए स्कूटी लेके आ जा, पैसे भी आ गए, स्कूटी भी आ गई, बात ही खत्म। स्कूटी लेके चलो,
चल स्कूटी नहीं देंगे तुमको साला मान ही नहीं रहा उड़क बैठे की नहीं लगा रहा बता बेटा निकल जा यहाँ से ओए भैया किसे पैसे नहीं है स्कूटरी लेके आएंगे स्कूटरी ओए नंबर ले ले यार ओ भाई अबे क्या कह रहा है देख रहा है नई स्कूटी ले लेंगे 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं इनसे 20,000 रुपए दिए नहीं आ रहे हैं बहुत पैसा है बहुत चलो पार्टी करने चल रहे हैं पार्टी हो गई पार्टी ओए संजय पैसे आ गए हम चल रहे हैं पार्टी करने मेरी गाड़ी का सोकर लीक है वो लगवा दो एक हां इसकी गाड़ी भैया मेरे को तेल के 100 रुपए दे दे मेरी गाड़ी का सोकर लीक है वो सही करवा दो तेल डाल लो 200-200 रुपए का जितने बचे पार्टी कर लो यार फुल कराएंगे यार इसके पास पैसे गंपू के पास है गंपू साले तू मत मान लियो 10 रुपए है भाई ये देख ला मैं गिनूंगा 500 तो मेरी गाड़ी में लग जाएंगे और जो 100 रुपए इस तेल के भर के देगी ये बता रही है 16,000 रुपए 2,000 मैंने कौन सा गिने था तुक्का मार दिया था मैंने किसान टोली पड़ा है ना ना किसान टोली के पीछे बगीचा जाओ हरिप्रकाश का 500 रुपए बांट लो लो 500 मुझे दे दे क्यों तुम दोनों पार्टनर हो ये दोनों पार्टनर है 500 रुपए मिलेंगे तो ठीक है 500 रुपए तुम पकड़ो और 500 रुपए भाई तू पकड़ भाई 1,000 रुपए मेरे अबे यार गम्मू हम मैं तेरे 500 में शिफ्ट हो जाता हूँ ठीक है बहुत बड़ा दिल्ली भाई आ जा बैठ अबे आप संजय 1,000 रुपए तुझे मैं बिरयानी खिलाऊंगा चल 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 1,000 रुपए आ जाएंगे अबे वो अलग है मैं अलग हूं ना संजय भी अलग है ओए ले हेलमेट पकड़ बिन्नू मैं जा रहा हूं गम्मू के साथ मैं गम्मू के 500 में शिफ्ट हो गया हां 500 में शिफ्ट हो जा क्या 500 में ले 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 तेरे 500 रुपए मेरे 500 रुपए ये ओए उन्होंने पैसे नहीं दिए अभी हाँ पैसे नहीं दिए चल अभी पैसे नहीं दिए अब ओए दीनू भाई को मत बताना ये वाली बात दीनू भाई बोलेंगे उनसे पैसे भी ले लिए वही तो चलो यहाँ से आ जाओ भाई टाइम से निकल लो यहाँ से तेरे घर स्कूटी खड़ी करने चल रहे तो गाइस यार वो कल वाले बंदे मिल गए थे वो कह रहे थे हमारी स्कूटी दो बट हम यार उनसे थोड़े मजे लेने गए क्योंकि यार तुम लोगों को पता है स्कूटी तो दे नहीं सकते दीनू भाई यहाँ है नहीं तो जब वो आएंगे तो दीनू भाई के सामने स्कूटी दी जाएगी बाकी यहाँ से चल रहे हैं उसके घर पे स्कूटी खड़ी करेंगे चल भाई तो स्कूटी उसके घर पे खड़ी करके फिर आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए गुड बाय अगले व्लॉग में मिलेंगे आपको दीनू भाई अगर मिल जाएंगे तो यार शायद उनकी स्कूटी दे देंगे क्योंकि यार दीनू भाई का मैटर है पूरा दीनू भाई जो बोलेंगे हमें करना पड़ेगा अभी तो दीनू भाई है नहीं तो हम लोगों ने अपनी मनमानी कर ली तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस तब तक के लिए गुड बाय।